प्रकट अधिमान सिद्धांत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से प्रोफेसर सैमुएलसन के द्वारा बिना किसी मान्यता को माने हुए मांग वक्र को प्रकट अधिमान सिद्धांत के माध्यम से व्युत्पन्न किया गया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा ही खरीदेगा और ये प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से खरीदेगा। यदि वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप जो उसको मौद्रिक लाभ होता है उस मौद्रिक लाभ का क्षतिपूरक परिवर्तन कर घटा दिया जाए। इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता को जो मौद्रिक हानि होती है उतनी हानि उसे आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन के द्वारा कर दी जाए। तो नई परिस्थिति में जो वस्तु महंगी होती है उसकी उपभोक्ता कम मात्रा ही लेना चाहता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से हम उदासीनता वक्र की उन्नतोदरता प्रकट अधिमान सिद्धांत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर ही होते हैं, यह भी हम प्रकट अधिमान सिद्धांत के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ कीजिए, देखिए ये उपभोक्ता की बजट लाइन है ए बी बजट लाइन है। इस बजट लाइन के अंदर जो भी बिंदु है, मान लो उपभोक्ता यहां पी बिंदु पर संतुलन में है, तो पी बिंदु पर संतुलन में इसका मतलब ए बी बजट रेखा और ये ओ ए ट्राइंगल जो इसकी आय से प्राप्त हो सकता है ये इन सब बिंदुओं को हीन मानता है, इंफीरियर मानता है। इस कारण से ये इन सब बिंदुओं को छोड़कर पी बिंदु पर रहना पसंद करता है। पी बिंदु से ऊपर जो बिंदु है जिसको हम बोल सकते हैं ये पी है क्यू आर, जो ट्राइंगल है पी क्यू 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 पी आर, ये इसमें अगर किसी बिंदु पर जाए तो एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों की मात्रा अधिक होती है पर उपभोक्ता के पास इतनी आय नहीं होती है कि ये इस ट्राइंगल में जा पाए, तो इसको हम बोलते हैं सुपीरियर जोन। तो देखिए ये नीचे वाला जो एरिया है वो इन्फीरियर जोन है, यानी उपभोक्ता जो उपभोक्ता की पसंद है पी बिंदु को पसंद करता है, तो इसका मतलब ये सारा ट्राइंगल ओ ए बी वाला उसके लिए इन्फीरियर जोन है और क्यू पी आर जो है वह उपभोक्ता के पास इतनी आय नहीं है कि वह उस पर जा पाए, तो ये जो एरिया कहलाता है वो सुपीरियर जोन कहलाता है और इसके बारे में हमें पता नहीं है तो इसको हम लिखते हैं जोन ऑफ इग्नोरेंस और इसको भी लिख देते हैं जोन ऑफ इग्नोरेंस। तो ये हमने देखा कि स्टार्टिंग में उपभोक्ता की ए बी बजट लाइन है, उसके पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है, तो इस बजट रेखा से नीचे का हो गया इन्फीरियर जोन, बजट रेखा के ऊपर का हो गया सुपीरियर जोन और ये जोन ऑफ इग्नोरेंस है, इधर भी जोन ऑफ इग्नोरेंस है। अब इसके माध्यम से इसका मतलब है कि हमारा जो तटस्थता वक्र है वो इन इस वक्र के मध्य किसी बात कहीं हो सकता है, सुपीरियर जोन में नहीं हो सकता है, इन्फीरियर जोन में नहीं हो सकता है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम जोन ऑफ इग्नोरेंस है उसका कुछ हिस्सा हम इसके अंदर डालते हैं इंफीरियर जोन में। तो किस प्रकार से इसको करते हैं देखिए, आपको करके बताते हैं क्या है। स्टार्टिंग देखिए, ये ए बी बजट रेखा है, ये इंफीरियर जोन है, ये सुपीरियर जोन है, ये जोन ऑफ इग्नोरेंस है, यहां पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में। अब मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत सस्ती होती है, वाई की महंगी होती है और उपभोक्ता की बजट लाइन हो जाती है ए बी बजट लाइन की जगह, उपभोक्ता की बजट लाइन ए डैश बी डैश हो जाती है और इसके ये वी बिंदु पर संतुलन में होता है। किस पर? वी बिंदु पर। यानी इसको वी बिंदु बेटर लगता है ओ ए डैश बी डैश के अन्य किसी बिंदु की तुलना में, इसको वी बेटर लगता है और वी की तुलना में P पहले से ही इसको बेटर बता चुका है, तो इसका मतलब है P की तुलना में ये एरिया भी क्या हो गया, इंफीरियर जोन में हो गया।
इसका मतलब है कि हमने क्या किया, जो जोन ऑफ इग्नोरेंस था ये पहले ओपी जो हमने ओपी आर एरिया था उसको जोन ऑफ इग्नोरेंस था उसका कुछ हिस्सा हमने क्या किया, हमने इसको इंफीरियर जोन में डाल दिया। वापस समझिए, स्टार्टिंग में देखिए पहले उपभोक्ता की ए बी बजट रेखा है, इसके पी बिंदु पर संतुलन में है, ये जो था ये इंफीरियर जोन था और ये सुपीरियर जोन था। ये वाला हिस्सा था जोन ऑफ इग्नोरेंस, ये वाला भी हिस्सा था जोन ऑफ इग्नोरेंस। अब x और y वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, x वस्तु पहले की तुलना में सस्ती हो गई, y वस्तु पहले की तुलना में महंगी हो गई, तो उसकी बजट रेखा AB से बढ़कर A'B' हो जाती है और इस नई परिस्थिति में यह V बिंदु पर संतुलन में होता है, यानी इसको V A'B'O जो ट्राइंगल है इसके अन्य सभी बिंदु की तुलना में V अच्छा लगता है, तो इसका मतलब V की तुलना में सारा इंफीरियर जोन है और P की तुलना में V इंफीरियर जोन है, तो नई परिस्थिति में इंफीरियर जोन जो है वो बढ़कर हो गया ए पी वी बी डैश, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो इंफीरियर जोन में हो गया। तो हमने ये जोन ऑफ इग्नोरेंस था इसका कुछ हिस्सा क्या कर दिया, हमने इसको किस में डाल दिया, इसको हमने इंफीरियर जोन में डाल दिया। इसी प्रकार से हम थोड़ी सी और इनकम बढ़ाएं तो नई परिस्थिति मान लो ये बिंदु T है, अब देखिए थोड़ा हिस्सा फोर इसके अंदर डाल दिया, तो इन थोड़ा थोड़ा हिस्सा इंफीरियर जोन का, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो जोन ऑफ इग्नोरेंस का है उसको हम इंफीरियर जोन में डालते हैं। इसी प्रकार से कुछ हिस्सा हम सुपीरियर जोन में भी डाल सकते हैं। इसको देखिए, अगर जोन ऑफ इग्नोरेंस का कुछ हिस्सा हम सुपीरियर जोन में डालें, जोन ऑफ इग्नोरेंस का कुछ हिस्सा सुपीरियर जोन में डालने पर, देखिए कैसे, इसको भी आप समझिए कैसे इसको डालते हैं। मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट लाइन है एबी, इस एबी बजट लाइन के पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है और यह है सुपीरियर जोन, यह है इंफीरियर जोन, यह जोन ऑफ इग्नोरेंस और यह भी जोन ऑफ इग्नोरेंस है। अब मान लीजिए जो y वस्तु है उसकी कीमत सस्ती होती है, x वस्तु की महंगी होती है, तो यह नई परिस्थिति में यह बजट रेखा हो जाती है उपभोक्ता की। पहले बजट रेखा थी ए बी, अब बजट रेखा हो गई ए डैश बी डैश और नई परिस्थिति में ये हिस्सा जो होता है पी डैश क्यू डैश आर डैश ये क्यू मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, इसको आर। अब देखिए ये जो हिस्सा था पहले जोन ऑफ इग्नोरेंस था पी क्यू ए वाला, अब जब एक्स वस्तु की वाई वस्तु की कीमत बढ़ गई, कीमत सस्ती हुई, एक्स वस्तु महंगी हुई, तो एक्स वस्तु महंगी हुई तो पहले की तुलना में एक्स वस्तु कम ले पा रहा है, y वस्तु सस्ती हुई तो पहले की तुलना में ज्यादा ले पा रहा है, तो नई परिस्थिति में ये q की जगह q डैश बिंदु पर संतुलन में होता है और ये पूरा एरिया जो देखिए पहले था जोन ऑफ इग्नोरेंस में वो ये सुपीरियर जोन में चला जाता है, यानी उपभोक्ता उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहां हमने क्या किया, इधर से हमने जोन ऑफ इग्नोरेंस का हिस्सा, जोन ऑफ इग्नोरेंस का हिस्सा हम यहां से इंफीरियर जोन में डाल रहे हैं और इधर से यहां देखिए इसकी तुलना में ये बेटर है। देखिए क्यू, ये देखिए ए क्यू पहले से अवेलेबल था पर क्यू ए डैश क्यू पहले से अवेलेबल नहीं था, तो ये इसकी तुलना में बेटर है, तो ये आपका सुपीरियर जोन में आ जाता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम थोड़ा हिस्सा जोन ऑफ इग्नोरेंस में डाल, जो देखिए तो ये हमने क्या किया, ये जोन ऑफ इग्नोरेंस का कुछ हिस्सा सुपीरियर जोन में डाल दिया, तो अब ये जोन ऑफ इग्नोरेंस का हिस्सा यही रह गया और इसी प्रकार से हमने यहां जोन ऑफ इग्नोरेंस का कुछ हिस्सा इंफीरियर में डाल दिया तो जोन ऑफ इग्नोरेंस का यही हिस्सा कुछ रह गया। तो यहां अब देखिए तटस्थ ये जो वक्र बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, तो इस प्रकार से क्या लगातार थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम जोन ऑफ इग्नोरेंस का सुपीरियर जोन में डालें और इंफीरियर जोन में डालें, मैं आपको करके बताता हूं।
ये पहले ए बी बजट रेखा है, इसके क्यू बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, पी आर पी क्यू आर ये सुपीरियर जोन है, ये इंफीरियर जोन है, ये सुपीरियर जोन, ये जोन ऑफ इग्नोरेंस है। अब देखिए हमने क्या किया, क्यू की जगह यहां क्यू डैश लिया और ये जोन ऑफ इग्नोरेंस का कुछ हिस्सा इसमें डाल दिया, फिर हमने कुछ और हिस्सा डाल दिया, एक और ये बिंदु लिया और कुछ और हिस्सा डाल दिया, तो धीरे 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 ये एरिया ही रह जाएगा जिसमें कि तटस्थ वक्र हो सकता है। इसी प्रकार से यहां से हमने इसको सुपीरियर में डाला, फिर और सुपीरियर में इसको डाला, तो ये एरिया ऐसा रह जाएगा जिसमें तटस्थ वक्र हो सकता है, क्योंकि ये हिस्सा जोन ऑफ इग्नोरेंस का सुपीरियर में चला गया, ये जो हिस्सा है जोन ऑफ इग्नोरेंस का ये आपका इंफीरियर जोन में चला गया और ये सुपीरियर जोन में चला गया, सुपीरियर जोन, ये सुपीरियर जोन। तो ये अब देखिए, अब यही हिस्सा बचा जिसमें वक्र हो सकता है। तो अब देखिए तटस्थ वक्र कैसा हो सकता है, इसकी बात करते हैं। ये हमारी बजट रेखा है, ये उपभोक्ता के ए बी रेखा, इसके मान लो इक्यू बिंदु पर संतुलन में था, तो ये आपका सुपीरियर जोन है पी क्यू आर, ये इंफीरियर जोन है, ये सुपीरियर जोन है। अब देखिए तटस्थ वक्र एक ऐसा हो सकता है, तटस्थ वक्र ए ए के रूप में हो सकता है, तटस्थ वक्र बी बी के रूप में हो सकता है, तटस्थ वक्र सी सी के रूप में हो सकता है। अब देखिए इसमें से क्या क्या है, ये सी और सी, देखिए बी बी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता क्योंकि इस तटस्थ वक्र का क्यू बी हिस्सा नीचे वाला हिस्सा आ रहा है इंफीरियर जोन में और ऊपर वाला आ रहा है सुपीरियर जोन में, तो सुपीरियर जोन में उपभोक्ता की संतुष्टि ज्यादा होगी, इंफीरियर जोन में उपभोक्ता की संतुष्टि कम होगी, तो इसका मतलब ये तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। ए बी जो बजट रेखा है ये भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता क्योंकि ए बी बजट रेखा उपभोक्ता को उपलब्ध थी पर ये क्यू बिंदु पर संतुलन में होता था, क्यू बिंदु पर संतुलन में होता था इसका मतलब ए से क्यू तक के संयोग इसको कम लग रहे हैं अच्छे और क्यू से बी के संयोग कम अच्छे लग रहे हैं, क्यू का संयोग इसको ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो यानी ये संयोग इसको ज्यादा अच्छा लगता है, यहां इसकी संतुष्टि गिरती है यहां पर भी इसकी संतुष्टि गिरती है, इसका मतलब ए बी बजट रेखा के रूप में तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। अगर हम माने कि तटस्थ वक्र ए ए है तो यहां ये जो कि मूल बिंदु के प्रति नतोदर है ये भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता क्योंकि यहां ये पूरा एरिया उपभोक्ता को अवेलेबल था पर उपभोक्ता क्यू बिंदु पर संतुलन में था, यानी क्यू की तुलना में ये सारे बिंदु इसको कम संतुष्टि देते थे और यहां पर भी ये सारे बिंदु इसको कम संतुष्टि देते थे, और जब संतुष्टि में परिवर्तन हो रहा है तो वो तटस्थ वक्र नहीं हो सकता, तो केवल और केवल तटस्थ वक्र सी सी वक्र ही हो सकता है क्योंकि यहां इसकी संतुष्टि बराबर है, यहां पर भी संतुष्टि बराबर है, क्यू पर भी संतुष्टि बराबर है, इसके नीचे का हिस्सा इंफीरियर जोन में चला गया, इसके ऊपर का हिस्सा जो था वो सुपीरियर जोन में चला गया, केवल एक ऐसा एरिया ही ऐसा है सी सी वाला जिसमें उपभोक्ता उदासीन है, इसको पता नहीं है कि मेरी संतुष्टि बढ़ेगी या घटेगी, तो सी सी वक्र ही तटस्थ वक्र हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए हम प्रकट अधिमान सिद्धांत के माध्यम से तटस्थता वक्र की उन्नतोदरता को सिद्ध कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से अगर परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि तटस्थ जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है इसके माध्यम से उदासीनता वक्र की उन्नतोदरता को सिद्ध किए कीजिए, यानी प्रूव दैट द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन थ्रू द थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस, तो आप उसको कर सकते हैं। एक और बात हम करना चाहेंगे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मार्शल के मांग वक्र की तुलना में तटस्थ वक्र जो उदास ये जो आपका प्रकट अधिमान सिद्धांत है वो बेटर है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल बेटर है क्योंकि मार्शल का जो सिद्धांत है, मार्शल का जो मांग वक्र का सिद्धांत है उसमें बहुत सारी मान्यताएं मानने के बाद हम मांग का नियम देते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ
मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी और किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कमी के साथ मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी। तो बहुत सारी अवास्तविक मान्यताओं को मानते हुए जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता है, अन्य वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होता है, पूरा प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है, बहुत सारी मान्यताएं मानने के बाद करते हैं, जबकि हमें प्रकट अधिमान सिद्धांत में इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं मानने के बावजूद मांग वक्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न ये उठता है कई बार कि क्या हिक्स का जो तटस्था वक्र का सिद्धांत है जिसके माध्यम से उन्होंने मांग वक्र को व्युत्पन्न किया, क्या उससे भी प्रकट अधिमान सिद्धांत बेटर है? तो हम एक अर्थ में कह सकते हैं कि हिक्स के जो मांग वक्र का सिद्धांत है जो कि उन्होंने उदासीनता वक्रों के माध्यम से बताया उसकी तुलना में भी प्रकट अधिमान सिद्धांत बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि उदासीनता वक्र में उपभोक्ता का संतुलन बताने के लिए तीन शर्तों का पालन करना जरूरी है। पहली चीज, ये बजट रेखा को स्पर्श होना चाहिए। दूसरी चीज, स्पर्श बिंदु पर बजट रेखा का ढाल और उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होना चाहिए। और तीसरा, स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। और वह करके उपभोक्ता का संतुलन बताते हैं और उसके बाद वो जो है मांग वक्र की व्याख्या करते हैं। जबकि प्रकट अधिमान सिद्धांत में इस प्रकार की कोई शर्तों की जरूरत नहीं है। सैमुएलसन ने बहुत क्लियर कहा था कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता के पास केवल और केवल वही ऑप्शन होते हैं कि वह उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदे। इसके लिए अगर आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कर दिया है तो वह वाय वस्तु से पैसा निकालकर एक्स वस्तु में लगाए। और इसी प्रकार से यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता केवल और केवल उपभोक्ता के पास यही ऑप्शन है कि वह एक्स वस्तु की मात्रा पहले से कम खरीदे। यदि उसके आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन भी किया जाता है तो भी उसको एक्स वस्तु महंगी लगती है तो वह एक्स वस्तु पहले की तुलना में कम लेता है और वाय वस्तु पहले की तुलना में अधिक लेता है। पर एक अर्थ में प्रकट अधिमान सिद्धांत की तुलना में हम तटस्था वक्र का मांग वक्र का व्युत्पन्न का सिद्धांत भी बेटर बता सकते हैं, क्योंकि हिक्स ने जो अपनी विधि बताई थी एक्स वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की वजह से जो मांग में परिवर्तन होता है उसको दो भागों में बांटा था। कुछ मांग में परिवर्तन प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से होता है, कुछ आय प्रभाव की वजह से होता है। तो हिक्स ने अपने सिद्धांत में अलग अलग वस्तुओं के बारे में उल्लेख किया था कि सामान्य वस्तु की स्थिति क्या होती है, हीन वस्तु की स्थिति क्या होती है और गिफिन वस्तु की स्थिति क्या होती है। उन्होंने सामान्य में बताया था कि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों धनात्मक होते हैं, जबकि हीन वस्तु में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है पर वीक ऋणात्मक होता है, इस कारण से धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को नहीं पलट पाता है, जबकि गिफिन वस्तु में आय प्रभाव इतना ज्यादा ऋणात्मक होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी पलटकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। जबकि जो ये थ्योरी है प्रकट अधिमान सिद्धांत की, इन्होंने केवल और केवल सामान्य मांग वक्र की बात करी थी, हीन वस्तु और गिफिन वस्तु के बारे में इन्होंने अलग से चर्चा नहीं की थी। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर तटस्था वक्र का सिद्धांत ज्यादा बेटर होता है बजाय जो है प्रकट अधिमान सिद्धांत के। तो मैं समझता हूं मैंने तीनों ही चीजें आपको बहुत क्लियर इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप उसकी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा, स्पेशली जो बच्चे पीजी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, नेट करना चाहते हैं, या कोई जो कॉलेज लेक्चरशिप की परीक्षा है उसको आप दे रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड में आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके इस प्रकार के जो वीडियो है जिनमें बहुत गहन कंसेप्ट का हम डिस्कस करते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।